हरे कृष्णा सभी को। बच्चों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट पेन फॉर मेकिंग नोट्स। नोट्स बनाने के लिए कौन सा पेन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, और एंड में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा टिप्स दूंगा जिससे आपके नोट्स की जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी और आपकी जो नोट मेकिंग जो एबिलिटी है वो ही बहुत इंप्रूव होने वाली है। इसीलिए इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो करना बच्चों बेस्ट तो यही रहने वाला है कि जब भी आप नोट्स बनाओ तो वहां पे आप कलरफुल पेन का यूज करो। इसके दो बेनिफिट आने वाले हैं, एक तो जो आपका जो नोट्स है उसका आउटलुक ही चेंज हो जाएगा, और दूसरा ये जब भी आप पढ़ने के लिए वहां बैठोगे तो आपका इंटरेस्ट खुद से जग जाएगा। एग्जांपल से समझो इसको कि एक तरफ आपके ब्लैक एंड व्हाइट मूवी चल रही है, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट, और दूसरी तरफ भाई चल रही है कलरफुल मूवी, तो आपका मन कहां लगेगा? तो कलरफुल मूवी के लिए। मैं खुद जब भी नोट्स बनाता हूं तो यहां पे जो मेन मेन पॉइंट होते हैं और जो मेन टॉपिक होता है उसको मैं कलरफुल पेन से लिखता हूं। ये सारे मेरे पास कलरफुल पेन है, ये मेरे को मिले थे 85 रुपए 10 पीस जो कि लग्जर से हमारे पास आते हैं। बच्चों ये खुद देखो, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि ये मेरे पास एक सॉलिड स्टेट का मैंने एक नोट बनाया था जिससे जो भी पॉइंट हमारे पास जो मेन मेन पॉइंट है उसको मैंने कलरफुल पेन से लिखा था, और नीचे आप देख पाओगे यहाँ पे वो कुछ चीज़ें जो कि मैंने मिस आउट कर दी थी बाद मैंने यहाँ पे एडिशन किया कलरफुल पेन से। तो ये हमारे पास जो कलरफुल पेन का मतलब काफ़ी एक बढ़िया सा इम्पैक्ट होता है कि कुछ चीज़ें अगर आप भूल गए हो तो वहाँ पर आप लिख सकते हो कलरफुल पेन से और दूर से आपको दिख जाता है। बच्चों अब हम अगर बात करें कि रिकमेंडेशन की कौन से पेन आपको यूज करने चाहिए, कलरफुल पेन से आप सिर्फ मेन मेन पॉइंट और टॉपिक ही तो लिखोगे, बाकी जो मेन कंटेंट है उसके लिए आप कौन सा पेन यूज करना चाहिए। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप बॉल पेन यूज करते हो और आपको बॉल पेन ही यूज करना है, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप जेल पेन यूज करिए, जेल पेन से आपकी राइटिंग काफी इंप्रूव हो सकती है। मगर आपको अगर बॉल पेन ही यूज करना है तो यहाँ पे 10 रुपए के अंदर बटरफ्लो पेन आता है, काफी अच्छा है। इसकी जो खासियत है, जो इसका मतलब मोस्ट इंटरेस्टिंग जो फीचर है वो ये है कि लिखते टाइम ये एक्स्ट्रा इंक नहीं छोड़ता। इसके कंपेरिजन में एक और हमारे पास पेन आता है राइटोमीटर, जो कि काफी अच्छा पेन है, उसकी बुराई नहीं कर रहा मैं, वो काफ़ी अच्छा पेन है, बट जब भी हम उससे बहुत देर तक लिखते रहते हैं तो वो इंक काफ़ी ज़्यादा छोड़ने जाता है। और नोट्स पे जब भी आप नोट्स बनाओगे तो नोट्स आपके होने चाहिए नीट एंड क्लीन, एकदम नाइस, नीट एंड क्लीन। क्या बिल्कुल नीट एंड क्लीन, फालतू की इंक वहां पे नहीं आने चाहिए, फालतू के दाग धब्बे वहां पे नहीं होने चाहिए ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के लिए जो बटरफ्लो पेन है आप इसे कितना भी लिखते जाइए, कितना भी लिखते रहिए, ये एक्स्ट्रा इंक नहीं छोड़ता, तो इसलिए ये मुझे पसंद है। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार ट्राई करके देखिए बटरफ्लो, आई होप आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा। अगर आप चाहते हो कि 5 रुपए में आपको कोई पेन मिल जाए तो यहाँ पे काफी अच्छा पेन हमारे पास आता है गोल्डेक्स की कंपनी से, ये एक रेड पेन है, मैंने रेड में यहाँ पे लिया है, काफी अच्छा पेन है, आप इसको ट्राई कर सकते हो और काफी सबके हाथों में ये बैठ जाता है। मैं तो ये बोलूंगा कि आपको कि वो पेन जो आपके हाथों में बैठ चुका है, जो सेट हो चुका है, वो आपके लिए बेस्ट होगा। अब बात करते हैं जेल पेन की, तो रिनॉल्ड के जेल पेन काफी अच्छे आते हैं, ये थोड़ा महंगा पेन हमारे पास आता है ट्राइमेक्स का। जब भी मुझे जेल पेन से मुझे लिखना होता है, मैं जनरली एग्जामिनेशन को जो अटेम्प्ट करता हूं वो मैं जेल पेन से करता हूं। तो यहां पे बच्चों ये काफी अच्छा पेन है, ये भी एक्स्ट्रा इंक नहीं छोड़ता और काफी स्मूथ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के हाथों में ये फिट बैठेगा, आप जाके यहाँ पर देख सकते हो, नहीं ज़्यादा पतला है नहीं ज़्यादा मोटा है और काफ़ी अच्छा पेन है। थोड़ा महंगा है पर कोई बात नहीं, आपकी राइटिंग काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। इसी के अंदर एक और आता है हमारे पास रिनॉल्ड जेल पेन करके, आप वो भी ले सकते हो 10 रुपये में वो आता है। अब बच्चों बात करते हैं यहाँ पे कि ये सारी जो चीज़ें आपकी होने वाली है वो आपको एक पाउच में रखना है। जब भी आप पढ़ने बैठो तो एक ऐसा पाउच ले लो जिसमें आपकी सारी स्टेशनरी की चीज़ें होनी चाहिए। मैं अपने सारे पेन और जो भी मेरे पास ये डिफरेंट कलर के पेन है मैं इसी में रखता हूँ। आप भी ट्राई करिए कि आपकी जो चीज़ें यहाँ पे होने वाली है स्टेशनरी की, एक ऐसा पाउच ले लीजिए, 20 रुपये आपको ये पाउच मिलेगा, आप यहाँ पे जो भी आपकी चीज़ें हैं स्टेशनरी की आप इसमें रख सकते हो और पढ़ने बैठो तो लेकर बैठ जाओ, आपको फालतू में दूर दूर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों ये तो हमारे पास हो गई रिकमेंडेशन की, आपको कौन सा पेन यूज करना चाहिए, बॉल में आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे हमारे पास बटरफ्लो, और जेल में आप राइटोमीटर यूज कर सकते हो, या फिर रिनॉल्ड का 10 रुपए का एक पेन आता है वो भी यूज कर सकते हो। बच्चों बात कर लेते हैं सम एक्स्ट्रा टिप्स जिससे आपकी जो नोट्स की जो क्वालिटी है काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जो आपकी नोट मेकिंग की जो एबिलिटी है काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो पहला टिप मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा वो यही है कि जब भी आप नोट्स बनाओ तो अल्टरनेट पेज पे, मैं जो नए बच्चे होते हैं मैं उनको बोलता हूँ कि सेम पेज पे कम से कम 2 से 3 लाइन छोड़ दिया करो। रीजन मैं आपको बताने वाला हूँ, बट यहाँ पे हर पेज पे छोड़ना थोड़ा मुश्किल बात हो जाती है, बट आप ट्राई करो कि अल्टरनेट पेज पे, देखो मेरे पास ये नोट है, मैं हमेशा करता क्या हूँ कि जब भी मैं नोट्स बनाता हूँ तो अल्टरनेट पेज पे 3 उंगली मतलब 3 लाइन में छोड़ देता हूँ। और यहां पे हमेशा पहले तो अल्टरनेट पेज पे आपको 3 लाइनें छोड़नी है और बैक पेज पे जो आपका लास्ट पेज होगा उसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि नोट्स कभी भी पूरे नहीं होते, इन केस फ्यूचर में आपको कुछ
ऐड करना हो तो कहाँ करोगे आप, यहाँ पे बिच्चा बिच्चा तो करने वाले हो नहीं। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा इंपैक्ट पड़ता है जब भी आप एक लाइन छोड़ देते हो, दो लाइन छोड़ देते हो नोट के बीच में अल्टरनेट पेज की और एंड में, कि इन केस फ्यूचर में आपको कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐड ऑन करनी हो तो कहाँ करोगे, पेज तो आपके पास बचेंगे नहीं, तो इसी के लिए लास्ट पेज हमेशा ब्लैंक छोड़ दिया करो। अब बच्चों सेकेंड रिकमेंडेशन है वो ये है कि जब भी आप नोट्स बनाओ तो सेकेंड लास्ट पेज पे, अब देखो कोई ऐसा चैप्टर जिसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा है, जिसमें फॉर्मूले बहुत ज़्यादा है, तो उन चैप्टर के लिए आप यहाँ पे एक्स्ट्रा कर सकते हो कि सेकंड लास्ट पेज पे आप हमेशा जितने भी आपके चैप्टर में फॉर्मूले यूज्ड हुए हैं वो सारे आप सेकंड लास्ट पेज पे लिख सकते हो। जब भी मैं नोट्स बनाता हूं तो वैसे चैप्टर जो कि न्यूमेरिकल बेस होते हैं, जिनके अंदर फॉर्मूला यूज ज्यादा होता है, जिसके अंदर फॉर्मूला ज्यादा होता है, मैं ट्राई करता हूं कि लास्ट पेज हमेशा मैं छोड़ दूं, सॉरी सेकंड लास्ट पेज में हमेशा छोड़ दूं जिसमें मैं फॉर्मूले जितने भी हमारे पास उस चैप्टर में आए हैं उसमें लिखूं, और जब भी मैं रिवाइज करने बैठूं या फिर मैं न्यूमेरिकल कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं वही पेज खोल के देखूं कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं। बहुत ज्यादा यहां पे आपको बेनिफिट होने वाला है लास्ट मोमेंट में, कि जब भी आपको पूरे चैप्टर रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूले के लिए कि फॉर्मूला कहां है, ये फॉर्मूला कहां है, वो फॉर्मूला कहां है, सीधा लास्ट पेज खोलो और वहां पे आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे और वहां पे आप फॉर्मूले अपने लिखे फॉर्मूले वहां पे रिवाइज कर सकते हो बहुत इजीली। और जो लास्ट टिप जो आपको देने वाला हूं उसके रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमारी राइटिंग तो अच्छी आती नहीं है, हम तो अच्छा लिख नहीं पाते नोट्स में, हमारी राइटिंग नोट्स में आके खराब हो जाती है। तो आपको बताता हूं कि आप वहां पे बहुत जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश कर रहे होगे, आपको नोट्स एक बार ही बनाने हैं बट उसको पढ़ना आपको 5-6 बार है, तो एक बार जब नोट्स बना रहे हो तो शांति से बनाओ, टाइम लो और धीरे धीरे आराम से बिल्कुल स्पेस लेके लिखो। मैं आपको दिखाता हूं, मैंने यहां पे बायोमोलिक्यूल के यहां पे नोट्स बनाए थे जिसमें मैंने सारे पेज में बिल्कुल स्पेस देके लिखा है, क्यों, क्योंकि इसको समझना ही बहुत ईजी हो जाता है और यहां पर अगर मुझे कुछ ऐड भी करना हो इनकेस तो यहां पर ईजिली ऐड कर सकता हूं। तो हमेशा जब भी नोट्स बनाने बैठो, क्योंकि नोट्स आपको सिर्फ एक बार ही बनाने हैं बट उसको पढ़ना आपको बार बार है, तो नोट्स बनाते टाइम बिल्कुल टाइम लो अपना, आराम से धीरे धीरे समझ समझ के वहां पे लिखना स्टार्ट करो। और जो लास्ट टिप आपके लिए यही है कि पहले क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करो कि क्वेश्चन आपके कैसे आने वाले हैं, और वो टॉपिक जो कि आपके काफी बार आ चुके हैं जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं उसके लिए आप उसको लास्ट में अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने नोट्स में डाल लो ताकि एंड मोमेंट में आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, आप सिर्फ अपने नोट्स के बल पे अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो बच्चों यही सारे टिप्स और रिकमेंडेशन मेरे साइड से थे, इसको अप्लाई करो, अगर आपको इससे बेनिफिट हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। उसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।